खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं आसिद वकास अली पाक दहती चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हम नित नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होते हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं थीम पाक व्यू के मरकजी दफ्तर में और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक आबिद अली जो यहाँ के चेयरमैन के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। आइए इनसे कुछ सोसाइटी के बारे में मालूमात लेते हैं और हम वो हमें बताएँगे और सोसाइटी के बारे में मज़ीद आगाह करेंगे। मलिक आबिद साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। और बाकी सब खरीद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, तुम सू ये दसो ये सोसाइटी कदों तो बनी? ये तकरीबन 3-4 साल तो। अच्छा, तो मलिक साहब तुम ये सोसाइटी नाल कदों दे अटैच हो? 3 साल हो गए अटैच हो। थोड़ा की ख्याल है सोसाइटी के बारे की सहूलियात ने, इन बारे थोड़ा दसो। सहूलियात जी स्कूल है, मुकम दे रहा, फ्री तलीम है, हॉस्पिटल है, शादी हाल हो तमीर हो रहा, ठीक है, सीवरेज टफ टाइल है, बेहतरीन है, आओ आके विजिट करो, देखो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हाँ जी फ्री हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी फ्री जी जी जी, शादी हाल है, वो तमीर हो रहा है, दो शादी हाल बना रहे हैं, हर ब्लाक दी लहदा लहदा मस्जिद है, हर ब्लाक अपनी लहदा मस्जिद दीती है, पार्क दिता है नाल, हाँ जी बड़ी बड़ी सहूलत है, 30-30 फुटे रोड ने मेन गलियाँ दे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोसाइटी है, विजिट करो आओ देखो। अच्छा मलिक, सानू ये भी गाइड करो कि जरा इतने किन्ने को घर बन गए हैं? 7,000 घर बन गया, 20,000 प्लाट सेल हो गया। सही हो गया, तो अपना तरक्की तरक्की अब तक काम ने जड़े वो भी बड़ी तेज़ी नाल जारी ने थे जी, बहुत तेज़ी नाल, टफ टाइल लग रही है, सीवरेज है मुकम्मल हो रहा है, टफ टाइल हैगी मुकम्मल लग रही है, सीवरेज है जी, सहूलत पहले दसी है कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, हर चीज़। अच्छा सर, इतने जी टफ टाइल लाई जा रही है या जो पाए पाए जा रहे हैं, ये तुम कितों परचेज, बाहरों परचेज करके लिया रहे जी? नहीं, हाई साहब ने खुद फैक्ट्री है जी, अच्छी मटीरियल अच्छे मियार की खुद बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब हाजी साहब खुद बना रहे हैं, मतलब मटीरियल जो अपनी निगरानी से तैयार करवाते हैं? बिल्कुल, अपनी निगरानी है हाई साहब जी। सही जी, अच्छी क्वालिटी बन रही है। अच्छा मलिक साहब, सानू ये भी दस दो कि कोई बंदा इतने अगर प्लाट लैंदा है बिजनेस के हिसाब से, मतलब ये कि आज जो लेना चाह रहा है बिजनेस के हिसाब से कल उनकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है ना, तो ये बारे थोड़ा की ख्याल है कि आने वाले 6 महीने तक या साल तक प्लाट की रीसेल वैल्यू या कितनी हो सकती है जी? तुम इतों ला लो कि शुरू 6 लाख तो सी, इस टाइम 14 लाख के रेट चल रहा है, हर तकरीबन 4 तो 5 महीने बाद 1-1.25 लाख की तुम एवरेज कर लो कि वधदी पई है, आबादी बहुत स्पीड न हो रही है, कम तरक्याती कम मुकम्मल हो रहा है, सहूलत जी तो मेसर ने फिर आप ही रेट बढ़ देने। अच्छा मलिक साहब, सानू ये भी दस दौ अपने जो ख्याल थोड़ा इजहार कर जे कि हाजी साहब कैसे बंदे ने, परसनली कैसे बंदे ने? हाजी साहब परसनली भाजी बड़े नाइस आदमी ने, विवाह कोटा ना वक्फ किया हो बखरा, उस तो बाद लंगर दे रहे ने, जहेज बच्चियों का दे रहे ने, वैसे कोई गरीब आ जाए उन्होंने तावन करते हैं, प्लाटा लो बड़ी अच्छी हर बंद सहूलत दे रहे हैं, बहुत ही नाइस आदमी ने साहब। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, तुम्हें टाइम देता, शुक्रिया जी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और साथ ही मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।